इसके फर्स्ट एग्जांपल में हमें इंटीग्रेशन 0 से 2 2x प्लस 1 का मान ज्ञात करना है, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ fx का मतलब है 2x प्लस 1, a का मतलब है लोअर लिमिट, b का मतलब है अपर लिमिट और nh का मतलब होता है b माइनस a, जो कि हमें प्राप्त होगा 2। इसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने का सूत्र होता है लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू दी लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस nh। इसलिए हमारा क्वेश्चन बन जाएगा 0 से 2 2x प्लस 1 dx इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एच। इसमें हम पहले a का मान रखते हैं जो कि 0 है, तो बन जाएगा एफ एच एफ 2h और आखिर में बन जाएगा एफ एन एच। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि हम इन सभी के मान लिखें तो हमें प्राप्त होगा h रखने पर 2h प्लस 1, 2h रखने पर हमें प्राप्त होगा 4h प्लस 1। इसी प्रकार यदि हम nh रखेंगे तो फंक्शन से हमें मिल जाएगा 2nh प्लस 1। यहाँ से हम 2h, 4h और 2nh इन पदों को अलग करेंगे और एक एक और एक पदों को कर देंगे अलग, जिससे हमें मिल जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 बाहर h 2h प्लस 4h अप टू 2nh और एक इनका योग हो जाएगा n बार। इसको हल करने के लिए हम आगे बढ़ें तो लिमिट h टेंस टू 0 h, इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं 2h, तो शेष बचेगा 1 प्लस 2 अप टू n और एक को यदि n बार योग कर देंगे तो बन जाएगा n। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 h 2h और यह पहली n संख्याओं का योग, जिसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और आगे चल रहा है प्लस का n। इसमें 2 को 2 से कर देते हैं कैंसिल, इस h का गुणांतर कर देते हैं तो हमें प्राप्त होगा लिमिट h टेंस टू 0। एक h को इसके साथ एडजस्ट करते हैं और एक h को इस कोष्ठक के साथ अंदर एडजस्ट कर देते हैं तो बन जाएगा एन एच प्लस एच और इस h का गुणा इस n के साथ भी होगा तो बन जाएगा nh। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए nh का मान रखते हैं और nh का मान दिया गया है 2, तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में 2 प्लस h प्लस में 2। लिमिट अप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा में 2 प्लस 0 प्लस में 2, ओवरऑल वैल्यू बन जाएगी 6, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा इंटीग्रेशन है माइनस 1 से 1 e की पावर x dx, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर 1, जहाँ पर एफ एक्स का मतलब बनेगा e की पावर x, a का मतलब माइनस 1, b का मतलब 1, तो nh का मान बन जाएगा b माइनस a से 2, जिसको ओवरऑल नाम देते हैं समीकरण नंबर 2। अब निश्चित समाकलन का मान ज्ञात करने का सूत्र a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस 2h अप टू एफ ए प्लस एन एच, जिसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करें तो माइनस 1 से 1 e की पावर x dx इज इक्वल होगा लिमिट h टेंस टू 0 h। पहले हम a का मान रख दें तो बन जाएगा f माइनस 1 प्लस h f माइनस 1 प्लस 2h और अप टू f माइनस 1 प्लस में आ जाएगा nh। अब इसको फंक्शन के अकॉर्डिंग यदि सेट करें तो एफ एक्स इक्वल है e की पावर x, जिसकी वजह से इसका मान बन जाएगा e की पावर में माइनस 1 प्लस एच। इसी प्रकार से इसका मान बन जाएगा e की पावर में माइनस 1 प्लस 2h और एट लास्ट e की पावर में माइनस 1 प्लस nh। लिमिट h टेंस टू 0 h, इन सारे स्टेप में e की पावर माइनस 1 आएगा गुणा में, उसको हम कॉमन लेके बाहर कर दें तो शेष बचेगा e की पावर h, e की पावर में 2h और e की पावर में nh।
इसको यहाँ बाहर शिफ्ट कर देते हैं। ये बन रही है एक जीपी जिसके एन पदों का योग हमें ज्ञात करना है। इस आधार पर हमारा क्वेश्चन बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच ई की पावर माइनस ए, और जीपी के एन पदों के योग का सूत्र होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, जिससे अंदर वाला मान बन जाएगा ई की पावर एच ई की पावर एन एच माइनस वन अपॉन ई की पावर एच माइनस वन। इसको थोड़ा यदि ठीक करें तो बन सकता है लिमिट एच टेंस टू जीरो, पहले हम इस स्टेप को लिखते हैं जो कि बन जाएगा एक बट्टे ई, उसके बाद हम इस स्टेप को लिखते हैं जो कि है ई की पावर एच, एन एच का मान रख देते हैं दो, तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर माइनस वन, शेष बचा ये वाले पद जिसको लिख देते हैं अंत में। अब यदि हम इस पे लिमिट अप्लाई करें तो एक बटे ई ई की पावर जीरो और ई स्क्वायर माइनस वन आएगा, जबकि इसका मान बन जाएगा एक, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का मान एक होता है। इसके बाद यदि इस एक बटे ई का अंदर गुणा करें, जिसमें से ये दोनों पद तो एक एक हैं, तो हमारे पास यहाँ पर बन जाएगा ई माइनस एक बटे ई, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ए का मान जीरो, बी का मान एक, तो एन एच का मान बी माइनस ए से बन जाएगा एक, जिसको नाम देते हैं समीकरण नंबर दो। अब निश्चित समाकलन को ज्ञात करने का सूत्र ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस दो एच अप टू एफ ए प्लस एन एच, जिसमें हम क्वेश्चन का यूज़ करें तो लिमिट जीरो टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, ए का मान रख देते हैं जीरो, तो एफ एच एफ दो एच अप टू एफ एन एच आ जाएगा। फंक्शन के मान हम लोग एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर से रखें तो बन जाएगा एच स्क्वायर, दो एच का मतलब बन जाएगा दो स्क्वायर एच स्क्वायर, इसी हिसाब से एन एच का मतलब बन जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, जिसे हल करने के लिए हम कोष्ठक के अंदर से कॉमन ले सकते हैं एच स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा वन जिसको लिख देते हैं वन स्क्वायर, और आगे वाले पद हैं दो स्क्वायर तीन स्क्वायर अप टू एन स्क्वायर। ये पहली एन संख्याओं के वर्गों का योग है जिसका सूत्र हम जानते हैं, तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच इंटू एच स्क्वायर और एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब हमारे पास यहाँ पर बन रहे तीन एच, जिसको हम यहाँ तीन जगहों पे एडजस्ट कर देंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एन एच एन एच प्लस एच और दो एन एच प्लस में एच और बटे में छः। एन एच का मान रख देते हैं जो कि आ जाएगा एक, तो बन जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एक एक प्लस एच और दो प्लस एच बटे में छः। लिमिट अप्लाई करें तो हमें प्राप्त होगा एक गुणा में एक गुणा में दो बटे में छः, यानी ओवरऑल बन जाएगा एक बटे तीन, जो कि आपके क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 10 पॉइंट के एग्जाम्पल पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो के साथ जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।